अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। हम लोगों ने ना लॉन के लिए चेयर्स मंगवाई थी तो वो आ गई हैं। वकास अब रिसीव करने लगे हो। वकास भी आ गए तो वो बाहर खड़े हुए थे। मैंने वकास को फ़ोन किया है कि आ जाए, सामान आ गया हमारा। तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या है, किस तरीके की। अभी लॉन की सेटिंग नहीं हुई है, करवा रहे हैं वकास। तो चेयर्स तो दिखा दूँ ना आपको कैसी मंगवाई है। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी चेयर्स मंगवाई हैं। कितनी चेयर्स हैं भाई? ये 4 चेयर्स हैं, ठीक। और एक टेबल है साथ में। अभी जो है ना वकास लॉन की सेटिंग करवा रहे हैं। इसके इर्द गिर्द वो ग्रीन पर्दा लगवा के, ग्रास वगैरह भी छवा के ना, ताकि सारा बंद हो जाए। ऊपर से जो दरख्त बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे वो कटिंग करवा दिए हैं। नीचे कल इसकी सफाई हुई है, सारे फर्श पर जो झाड़ वगैरह था वो कटिंग करवाया है। सारा बिल्कुल प्लान कर दिया, पौधे वगैरह लगाएंगे सारे, और ये चारों तरफ से कवर भी कर देंगे। अब तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बीच रोड पर खड़े हुए, क्योंकि बिल्कुल कटिंग हो गई है। दरख्त वगैरह की बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे क्योंकि ना, और ये CDA की अथॉरिटी है तो आपको पता है CDA ज़्यादा बढ़ाने नहीं देता, बहुत लिमिटेड रखता है। जैसे कॉर्नर नज़र आने चाहिए। तो ये हमारी टेबल सेट हो रही है। चले जी, हो गया। अब मैं आपको डिटेल भी बता देती हूँ। इन लोगों के पेज से मंगवाई है, मुझे रिकमेंड किया था मेरी दोस्त ने कि इनके पास लकड़ी का फर्नीचर होता है, तो हम लोगों ने लेनी थी। बारबेक्यू वगैरह करना होता है लॉन में, तो मेरा देवर मुझे आते जाते ताने मारता है चेयर्स के। अच्छा, ये इसकी कुछ आप खुद ही बता दें, आपकी ज़बान से ही मैंने इनको पकड़ लिया है कि हमें बता दें क्या चीज़ है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। असल में फोल्डिंग एक्चुअली फर्नीचर होता है, इसी तरह लॉन में यूज़ करने के लिए। बीचवुड का ये फर्नीचर होता है और बहुत मतलब इसकी लॉन्ग लास्टिंग होता है, 5 साल 10 साल, मतलब डिपेंडिंग ऑन ठीक कितनी वैल्यू वाली हो। अच्छा, ये पानी वगैरह से ख़राब भी नहीं होता ना? नहीं, ये पानी से ख़राब नहीं। ठीक हो गया। ये पॉलिश इसकी वुडन की होती है कोई इसके? अच्छा, तो कोई मतलब ऐसे स्पेसिफिक वो नहीं है पॉलिश इसकी? इसमें मुख्तलिफ लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं या एक इस डिज़ाइन में बीच वुड ही यूज़ किया है? ठीक ठीक। इसके अलावा कोई लकड़ी यूज़ नहीं? इसे अगर आप ऑन रिक्वेस्ट कहें तो वो बनाइए। ठीक है। अच्छा, इसका मुझे ये पूछना था कि इसमें अपनी मर्जी से कुर्सियाँ ऐड करवा सकते हैं ना? चार पर एक चेयर की जो है ना कॉस्ट क्या है? 2500 कॉस्ट है। ठीक 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 हो गया। और ये जो चार वाला सेट और एक टेबल है, कितने का पड़ा है? ये 16,000। 16,000 का अगर हम दो चेयर और ऐड करवा लें तो कितने? यानी कि 5,000 की 2 चेयर्स हमें और पड़ेंगी। ठीक, 2,500 की 5,000 की 2 चेयर्स बोला है, 5,000 की 2 चेयर्स और पड़ेंगी। चलें ठीक है, थैंक यू भाई। चलो, मैं आप लोगों के लिए ना इनके पेज का लिंक भी डाल दूंगी। आप लोगों ने और भी चीज़ें बाय करनी है, इनके पास बहुत प्यारा लकड़ी का सामान वगैरह है। मैं दिखा भी दूंगी साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लगा के, तो इनके पेज से बाय कर सकते हैं आप। कितनी अच्छी लग रही हैं। अभी लॉन की सेटिंग हो जाएगी, फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। ये वाला पेज है जहाँ से मैंने ऑर्डर की थी ये चेयर्स ना, तो मेरे पास शुक्र है इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी थी। आजकल मैं जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रही हूँ ना, मैं साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ कि जब वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। तो सीन कुछ ऐसा था इन चेयर्स का कि मैंने चेयर्स लेनी थी AC के स्पेस ना घेरे जो, क्योंकि आपके सामने 2 छोटे से कमरे, TV लाउंज में ऑलरेडी सोफा पड़ा हुआ है, कमरों में ऑलरेडी बेड वगैरह, इवन साइड टेबल रखने की भी जगह नहीं है। छोटे से हम घर ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा सा मिल जाए तो वहाँ सेटिंग करेंगे। तो जब तीनों चारों फैमिलीज इकट्ठी आ जाती है ना, तो मुझे बड़ा मसला होता है। हालांकि सोफा एल शेप है, फिर भी सब पूरे नहीं आते, उस पर कोई झूले पे बैठता है, अंदर से दीवान लेके आना पड़ता है खींच के। तो मैंने सोचा चेयर्स ऐसी मिल जाए जो फोल्डिंग वाली हो और मेरा मसला भी हल हो जाए। मैं लॉन में, अब सर्दियाँ हैं तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकें। तो फिर मुझे ये इस पेज पे नज़र आई और 18,000 की थी ये चार, तो मैंने इनसे बोला था 2 मुझे और ऐड कर दें, 6 कर दें मेरे लिए, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि टेबल भी फोल्डिंग वाली है और चेयर भी फोल्डिंग वाली है, जगह भी नहीं घेर रही और है भी प्योर लकड़ी में जैसी मुझे चाहिए थी कि लॉन में भी यूज़ हो जाए। तो मैंने पेज का लिया। अरमिश हमारी कुर्सियों में नहीं बैठ रही, उसको अपनी चाहिए भाई, वो अपनी लेने के लिए आई और जिद कर रही थी मुझे अपनी लेनी है। अच्छा, हमने ना वैसे ये सेट जो होता है ना वो 4 का होता है, तो मैंने उस टाइम पर रिकॉर्ड
ये अच्छा, ये सेट जो होता है वो चार का होता है, वो लोग चले गए हैं हमें सामान डिलीवर करके, और हम लोगों ने ना दो एक्स्ट्रा मंगवाई थी क्योंकि हमारी गेस्ट वगैरह आते हैं ना, स्पेशली जो मेरा देवर आता है बारबेक्यू करने के लिए शाहिद, और वो मुझे बहुत ताने मारता था कुर्सियों बोला ना कुर्सी नहीं ले सकती हमारी गरीब भाभी बार 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 बार, तो मैंने उसको बोला मैंने ऑर्डर कर दिया आने वाली, और हमें ना चाहिए भी ऐसी थी कि वो फोल्डिंग वाली हो जिसको हम आराम से ना बारबेक्यू के टाइम लॉन में रख लें और जब हमने उठाना हो तो हम उठा लें। तो आपके सामने ये इतनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आपको देखने में पता चल रहा होगा, और इनके पेच वगैरह अगर लूज़ हो भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं होता, दोबारा मिल जाता है। ये देखें स्पेशली जैसे मेरा घर है ना, मेरा घर बहुत छोटा है, हमने अपने बच्चों के हिसाब से छोटा सा घर लिया था जिसमें दो ही कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है, उसी को हम इधर टीवी लाउंज भी यूज़ कर लेते हैं, छोटा सा किचन है और एक ही वॉशरूम है, फिर लॉन है और साथ में वो है हमारा क्या है वकास कार पोर्च तो बिल्कुल छोटा सा था, तो उसमें हमारे पास ये चेयर्स रखने की जगह नहीं है, मुझे ऐसी चाहिए थी जो टेबल भी फोल्ड हो जाए और चेयर्स भी फोल्ड हो जाए, उस लिहाज से ये वाली जो थी ना वो परफेक्ट थी, है ना वकास? आप बताएं क्वालिटी सही मिली है ना इतनी प्राइस में? तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, और भी किसी को लॉन होगा तो उसके भी काम आ जाएगी। लॉन ना भी हो घर में रखने के लिए बहुत अच्छी, लकड़ी वाली चेयर तो लॉन में ही रखते हैं ना, फोल्डिंग वाली है, फोल्डिंग के हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं घर। हाँ जी, कुत्ते का भी इंट्रोडक्शन था कि ये अगर फोल्डिंग वाली जो चेयर है ना अंदर रखने के लिए बहुत अच्छी, अच्छा अंदर भी रख सकते हैं, मुझे था लॉन में ही होगी, बस आपने लॉन के लिए लिए वापस रख दें, बहुत कम जगह घेरती है और बहुत सुकून से जहाँ मर्जी रख सकते हैं और आराम से अलमारी में भी रख सकते हैं, हमारी जो बनी हुई पर छत्ती पर रख दो, बेड के नीचे भी रख सकते हैं ना, और उन्होंने बोला ख़राब भी नहीं होगी, पॉलिश हो जाती है। चले भाई, ये मेरा टेबल सेट था, आ गया, मैं दिखाती हूँ अब लॉन की सेटिंग होगी ना प्यारी सी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अच्छा सा, क्योंकि अब आपको पता है मौसम चेंज हो गया, बच्चे सारा दिन घुसे ही लॉन में होते हैं, धूप में खेलते रहते हैं, गैराज में भी नहीं खेलते, बस लॉन में ही खेलना होता है इनको, तो उस लिहाज से फिर हमने कहा चले, इनके हमने स्लाइड भी मंगवाई हुई है, वो पता नहीं कब पहुंचेगी, वो भी दिखाऊंगी आपको, स्लाइड लगानी थी लॉन के अंदर, बहुत तंग करते हैं, पार्क में ले जाओ पार्क में ले जाओ, मैंने बोला स्लाइड लेने जाना है ना अपने घर ही ले लो बैठ के। तो बस तसीब कैसी लग रही है आपको, पसंद आई है? चलो ठीक है, ओके भाई, तो ये हमारी चेयर्स हैं, वो कुत्ता है पीछे, एक इंट्रोडक्शन ज्यादा जरूरी है, कुत्ते का नाम क्या था मुझे भूल ही गया, वैक्स, वैक्स, सॉरी मैंने उसका नाम वैक्स बना दिया, और ये हमारी चेयर आ गई, अब हम यहाँ पे शाम में चाय पियेंगे विकास इंशाल्लाह, ये इसकी सेटिंग करवा के ना सारा पर्दा लगवा देना, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने बोला यार ये पर्दे ही लगवा दो ग्रीन से, ऐसा लगता है बिल्कुल रोड पे ही बैठे हैं, लगता है लॉन में बैठे हैं, सिटी वालों ने हमारे सारे दरख्त कटवा दिए कि कॉर्नर नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा बड़े हैं, उन्हें इतना अच्छा हुआ हुआ था। तो भैया हमारी वीडियो थी आज की, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, किसको, अच्छा ये हमारी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी, ये मेरी चेयर्स और टेबल्स थी, मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि सेटिंग कैसी करूँ मैं, ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।